देवछठ लक्खी मेले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, धौलपुर की प्रमुख खबर। पूर्वी राजस्थान के विशाल मेला देवछठ मेला, जो कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मचकुंड धाम में आयोजित हो रहा है, उसे लेकर संपूर्ण जिले का प्रशासन सतर्क है। उस मेले को लेकर जिले भर में पुलिस एवं यातायात की सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आमजन को कुछ निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करने पर ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रहेगी तथा मेला शांतिपूर्वक संपन्न होगा। विवियन राजस्थान चैनल आमजन से इन निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करता है। सुने एसपी धौलपुर धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा मेला में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए, उन्हीं की जुबानी। काफी समय बाद कोविड के बाद ये मेला हो रहा है, तो डेफिनेटली भीड़ जो है ज्यादा आने की संभावना है। मुख्य इसमें जो किसी भी तरह के क्राउड मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं कि एंट्री और एग्जिट जो है रूट वो अलग हो, तो वाटर वर्क से जो भीड़ आएगी, जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वहाँ पे बड़े वाहन जैसे बस वगैरह से भी बहुत लोग बाहर से आते हैं, तो वाटर वर्क चौराहे तक ही उन्हें ड्रॉप कर पाएंगे। वहाँ से फिर वो वाहन उन्हें ड्रॉप करके, जो बड़े वाहन है बस जैसे, और जो छोटे लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल है वो मेला ग्राउंड तक जाएगा, और वहाँ पे उनका पार्किंग है मेला ग्राउंड में। वहाँ से फिर श्रद्धालुओं को पैदल आगे मचकुंड की तरफ जाना है, और जैसे ही आप मचकुंड के पास पहुँचेंगे तो जो तिराया आता है वहाँ से जाने का रास्ता और आने का रास्ता अलग कर दिया गया है, ताकि भीड़ में आने जाने वाले एक दूसरे से टकराए नहीं, तो इससे किसी भी तरह का अनहोनी जो होता है उसको रोकने का इस एंट्री और एग्जिट से प्रयास किया गया है। साथ ही जो परिक्रमा मार्ग है उस पर किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना है। जैसे पहले भंडारे लगते थे या प्रसाद की दुकानें लगती थी, तो परिक्रमा मार्ग पे क्योंकि लोगों का आवागमन ज़्यादा रहेगा, भीड़ रहेगी, तो वहाँ किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए, जिसके लिए किसी भी तरह का जो भंडारा या प्रसाद की दुकानें हैं वो बाहर मचकुंड के बाहर जो रोड है, जब आप वाटर वर्क से आते हैं तो उसी पे लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ लोग जो बाड़ी की तरफ से आते हैं उनके लिए बाड़ी रोड की तरफ से जो रास्ता आता है, और साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और लगातार अनाउंसमेंट्स भी पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और जहां तक तालाब का बात है, उसमें सेफ्टी नेट लगाया गया, जालियां लगाई गई हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु अगर स्नान करते हैं या पानी से नहाते हैं तो वहां पे जो डूबने की संभावना रहती थी वो ना रहे, इसके लिए जालियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा नगर निगम ने बहुत सारे गोताखोरों को भी डिप्लॉय किया है, ताकि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से हम लोग निपटने के लिए तुरंत तैयार रहें।